हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। अनदर ग्रीन डे, कंटिन्यूअस थर्ड डे है जहां पे हमारा ग्रीन पीएनएल हुआ है। टुडे इज 14 जून। पहले हमने आज बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, वो भी लाइव सेशन में था। ये लाइव सेशन का भी आप रिकॉर्डिंग जाके चेक कर सकते हो कि जो हम लोग पीएनएल में डिस्कस कर रहे हैं वो राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले एनालिसिस, हर एक का लॉजिक भी मैं समझाता हूँ कि क्या लॉजिक पे हमने बेस दिया था। आप देख सकते हो कि लास्ट टू डेज से यहाँ पे एक मदर कैंडल बना था 15 मिनट्स का, यहाँ पे आज ओपन हुआ। ये एक रेजिस्टेंस था जो हमने लाइव सेशन में मार्क किया था 44,200 से 44,230 का डॉट, वहां पे मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे कैंडल आके क्लोज हुआ। दिस इज 5 मिनट्स का, आई वॉज वेटिंग अनदर फॉर द 5 मिनट्स क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टॉक ऑप्शन में टाइम चला गया। फिर यहां पे कैंडल आने के बाद, ये 15 मिनट्स कैंडल का लो है, यहां पे हमने बोला कि 44,200 का इन द मनी आईटीएम का पुट, मतलब 44,200 का पुट हमने बाय करने का सजेशन दिया अबव 200, और उसने 265 तक रॉकेट मोमेंट दिया क्योंकि यहां पे 100 पॉइंट्स का मोमेंटम डाउन साइड में था। यहां पे लॉजिक एक ही था कि ये जो भी कुछ रेंज था, रेंज के ऊपर मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे जनरली ओपन और हाई भी सेम था अप्रोक्सीमेटली, और फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का लो अगर जाता है तो जनरली ये प्रीवियस सपोर्ट था। यहां तक टारगेट, ये मेरा टारगेट 1 था और टारगेट 2 था, टारगेट 1 तक ही गया। और अभी भी आप देख सकते हो ये लाइव सेशन ही है, यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज है। यहाँ पे जनरली मैंने 50 पॉइंट्स बुक किए, 50 से ज्यादा पॉइंट्स बुक किए एंड 4 लॉट से, तो और एक ऑसम रैली मिली, एक बहुत फास्ट मोमेंटम था। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आज 44,200 में आज बुक हुआ। लॉजिक आपको पता चल गया कि क्या था, और आज देखो पूरा साइडवेज है। यहाँ पे भी लॉजिक अभी ये कि ये साइडवेज रेंज भी ब्रेकआउट होगा तो इनी साइड, ये अपर साइड या लोअर साइड एक मोमेंटम आ सकता है, बट राइट नाउ एक साइडवेज है। और ये सेम सिचुएशन लास्ट 15 डेज से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो एज पर अवर लाइव सेशन। लास्ट 15 मे से आज तक, आज अराउंड 14 जून है, 1 मंथ हो गया, बैंक निफ्टी जो भी कुछ है वो हार्डली 300 टू 500 पॉइंट्स के मूवमेंट में मूव कर रहा है, और लास्ट 6 to 7 सेशन हार्डली 200 पॉइंट्स का मोमेंटम, वो भी इनिशियल 15 मिनट्स में ही आता है। तो ये लर्निंग फेज है, तो हैव अ पेशेंस, जस्ट एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना, वो अपॉर्चुनिटी पे आपको ट्रेड लेना है, ब्लाइंड भी कहां पर भी ट्रेड मत नहीं ले सकते। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बम्पर प्रॉफिट बुक किया, हमारे पेड ग्रुप में भी दिया था 44,200 का पुट ऑप्शन 200 से बाय करने, और लोगों ने 5,200, किसी ने 2,000, किसी ने 3,000, ऐसे ऑसम प्रॉफिट बुक किए। सेम एज हल भी दिया था हमने आज, डिक्सॉन भी दिया था, डिक्सॉन पेड ग्रुप में दिया था, डिक्सॉन तो डेली है। डिक्सॉन यार मैं उगल के पी चुका हूं, जब से उसने 3,100 क्रॉस किया है 1,000 पॉइंट्स के रैली में, कम से कम 15 टाइम्स हमने उसको ट्रेड किया, और एवरी टाइम आइदर सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में हमने दिया। यहाँ पे ये था कि यहाँ पे जस्ट एक सॉफ्टवेयर, क्योंकि स्टॉक्स तो रडार में था, यहाँ पे मेरा एक सॉफ्टवेयर का जो रिवर्सल ट्रेड है उसमें 4370 का लेवल था, तो ओपनिंग यहाँ पे था, तो ये ओपनिंग कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, पहले 2 कैंडल्स ने रेंज बाउंड था, तो यहाँ पे हमने दिया था कॉल ऑप्शन, और इजिली उसने 30 पॉइंट्स इजिली दे दिए। ये दिखने के लिए छोटा बट ये 30 पॉइंट्स, और देखो डॉट टू डॉट टारगेट्स भी अचीव होते, तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रिवर्सल सिग्नल। तो ये रिवर्सल सिग्नल पे भी हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं। ठीक है, निफ्टी में अभी ट्रेड नहीं दिया क्योंकि निफ्टी भी साइडवेज एक्शन में था। अगेन हम लोग ट्रैप हो गए आज भी इंडिया मार्ट में, ये डेली लॉस मेकिंग दे रहा है, कल से हम नहीं ट्रेड गए। एक्चुअली देखा जाएगा तो इंडिया मार्ट एक ब्रेकआउट स्टॉक है, मतलब ब्रेकआउट हो चुका है डेली में, बट डेली मोमेंटम ऐसे रहता है कि आज भी देखो मेरे सेटअप में था कि गैप अप ओपन हुआ था, फर्स्ट 3 मिनट्स कैंडल ग्रीन था, जनरली मैं 3 मिनट्स कैंडल फॉलो करता हूँ मॉर्निंग में, जब मोमेंटम काफी अच्छा रहता है फास्ट मोमेंटम के लिए, बाद में 5 मिनट्स भी करता हूँ। तो यहाँ पे 3 मिनट्स के कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट एंड बाय अबव लेवल पे भी था, पीडीएच के ऊपर था प्रीवियस डे हाई के ऊपर, तो जनरली मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, और देखा तो जस्ट 190 पे बाय किया, 194 के अब स्टॉक ऑप्शन मोमेंटम नहीं, और फिर से मेरा ये 180 का स्टॉप लॉस हिट हो गया जहां पे हमने लॉस बुक किया 1500 इंडिया मार्ट में। तो दीज आर द लॉस, देखो जो लॉस है वो लॉस ही बताना है, जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में दिखाना है। हल में हमने काफी अच्छा छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, बट इंडिया मार्ट में जो लॉस हुआ था
वो हल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक में हमने इजीली अचीव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल था कि यहाँ पे स्टॉक ओपन ही हुआ। इसका मैंने कल भी बोला था कि एक वीडियो में पब्लिश करने वाला हूं, जल्दी वो वीडियो आएगा आपके पास, कि यहाँ पे पीडीएच को इसने क्रॉस कर दिया था, ग्रीन कैंडल ने दिख रहा है, और इसके अबव यहाँ पे कहाँ पे तो हमने बाय, फिर एक नेक्स्ट कैंडल भी मैंने वेट किया, यहाँ पे कहाँ पे तो बाय दिया था 165 पे, एंड 170 का टारगेट था, जनरली 173 तक गया, 8 पॉइंट्स दिया, बट वी बुक ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स, और उसके बाद में फिर नीचे आके फिर से ऊपर चला गया। ये और इंडिया मार्ट दोनों भी वोलाटाइल स्टॉक्स है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में ट्रेलिंग में करना चाहिए। फिर बहुत जन ने नीचे आने का, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट भी एग्जिट करने बोला, क्योंकि बहुत टाइम वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, बट मेरा ये पर्पज ही था हल में कि इंडिया मार्ट में जो लॉस हुआ वो जस्ट 1500 का लॉस बुक करना। तो ओवरऑल आज ग्रीन डे, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बचा लिया, जहां पे 60-50 पॉइंट्स इजीली दिए, बहुत दिनों बाद मूवमेंट है, ऑलमोस्ट 4 डेज के बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का मौका मिला, जहां पे जस्ट एक फेक ब्रेकआउट के तरफ से हमने ट्रेड लिया, और यहां पे डिक्सन और हल में जस्ट प्रीवियस डे हाई का जो रेंज का ब्रेकआउट का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमने यूज किया, बट ओवरऑल मार्केट में रेंज नहीं था, ठीक है। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा, क्या कर सकते हो, और हमने और एक वीडियो वॉच करने के लिए बोला था स्टॉक, दैट इज अल्ट्राटेक और अंबुजा सीमेंट के ऊपर वॉच करके रखो, कुछ तो सीमेंट स्टॉक में भी हो रहा है कि जहां पे एक लार्ज ब्रेकआउट के चांसेस है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करना मत भूलिए कि वीडियो आपको कैसे लग रहा है, आपको लर्निंग हो रहा है कि नहीं, हर एक वीडियो से आपने एक एक कंसेप्ट भी सीखा, और ये कंसेप्ट लिख के रखो, दैट विल गिव द ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, और ये आज के वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। थैंक यू।